हाय दोस्तों, टी फोर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप फ्लिपकार्ट में डिलीवरी डेट को आप चेंज कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपका डिलीवरी 20 तारीख को आना था, लेकिन आपको उसने आपको ये सामान नहीं चाहिए, कहीं आप जा रहे हैं तो आप चाहते हैं कि उस सामान को हम आगे बढ़ा दें डेट को, तो कैसे आप चेंज कर सकते हैं डिलीवरी डेट को, आज की वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सीख लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले फ्लिपकार्ट में डिलीवरी डेट चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपना फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन करना है। तो चलिए, ये रहा मेरा फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन, इसको हम ओपन करेंगे। जैसे आप अपना फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज दिखाई देगा। अब यहाँ पे ऊपर में ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 लाइन बने हुए हैं, इस 3 लाइन में आपको क्लिक करना है। जिस दोस्तों आपने 3 लाइन में क्लिक किया, अब आपके सामने पूरा पेज खुल गया। अब आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलता होगा माय ऑर्डर्स लिखा हुआ, तो ये जो माय ऑर्डर्स लिखा हुआ इसमें क्लिक कर लेंगे। जैसे हमने माय ऑर्डर्स में क्लिक किया, अब ये पूरा ऑर्डर्स हमारा शो होगा, यानी कि जो जो हमने सामान ऑर्डर किया है। तो अब जिस भी प्रोडक्ट का आपको ऑर्डर डेट, यानी जिस भी प्रोडक्ट का डेट आपको चेंज करना है, उसके ऊपर आपको क्लिक करेंगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला करना है, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज खुलता है। अब यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखते हैं कि ये ऑर्डर हमने किया था, यहाँ पे शिप हो गया है। अब यहाँ पर चेंज डेट लिखा हुआ है, तो चेंज डेट के ऑप्शन में हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब बोल रहा है कि डेट आर सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन फ्रॉम डिलीवरी पार्टनर्स। तो यहाँ पे आपको कब चाहिए, वेडनेसडे को चाहिए, थर्सडे को, या फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो जिस दिन की आपको लेना है उस दिन आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ, 20, और यहाँ पे मैं 19 तारीख को नहीं रहूँगा, और यहाँ पे सबमिट में नीचे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे प्लीज़ वेट हो रहा है, वी आर प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर थोड़ा हम वेट कर लेंगे। और यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये ग्रीन तक पहुँच जाएगा तो ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो थोड़ा हम वेट करते हैं, ये देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे वी आर प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, ओके में क्लिक करेंगे। अभी हमारा रिक्वेस्ट हो गया। अब यहाँ पे लिख क्या क्या आएगा कि डेट चेंज इन प्रोग्रेस, यानी कि जो डेट आपने चेंज किया है वो प्रोग्रेस में है। योर रिक्वेस्ट फॉर डिलीवरी ऑन वेडनेसडे, यानी कि बुधवार को आपका डिलीवरी अब आएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं डिलीवरी डेट को फ्लिपकार्ट में। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।